अब देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बढ़ने लगी है। अब करीब 2 महीने बाद गौतम नगर में 2 बच्चा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके अलावा 2 लोग भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। बच्चे को सेक्टर नंबर 30 स्थित चाइल्ड PGI में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष 2 संक्रमित होम आइसोलेट हुए हैं। वहीं 2 संक्रमितों ने कोरोना को मात देकर घर के लिए वापसी भी की है। बच्चे में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 1 साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड PGI के वरिष्ठ इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मेजर BP सिंह ने बताया कि सेक्टर 63 निवासी संक्रमित बच्चे की उम्र 1 वर्षीय है। विगत हल्का बुखार एवं खांसी जुखाम के लक्षण होने पर अभिभावक बच्चों को अस्पताल लेकर आए थे। बच्चे की इलाज से पहले कोरोना जांच कराई गई, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित बच्चों को आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराकर उपचार कराना शुरू कर दिया। अभिभावकों का नमूना भी जाँच के लिए भेजा गया है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 63,231 हुई है। इनमें से 62,747 स्वस्थ होकर जबकि 466 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में सक्रिय मामले 18 हो गए हैं। लापरवाही के चलते संक्रमित संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिनों सक्रिय केस 13 हो गए थे।